तो फ्राइडे को फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने भेड़िया फिल्म देखा और उसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने लोगिनियन चैनल पे डाल दिया है। इस फिल्म में हम फिल्म की कहानी को शॉर्ट में जानते हुए इसके एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू गिव ए क्लियर वार्निंग कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपको फिल्म देखनी है तो इस वीडियो को ना देखें। साथ ही वीडियोस में कुछ थियरीज होगी और हां आपसे लाइव पे डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो के एंड में ही डिस्कस कर लेंगे जैसा आप लोगों ने कहा। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम शरद केलकर सर के कैरेक्टर को देखते हैं जो जंगल के बीच एक केव टाइप एस्टैब्लिशमेंट में अपनी बेटी को भेड़िया और बकरी के बच्चों की कहानी सुना रहे होते हैं। ये एक बेसिक स्टोरी थी जहां भेड़िया की माँ कहती है कि दरवाजे पे कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना, लेकिन ये बातें बाहर खड़ा भेड़िया सुन लेता है। अब जब बकरी की माँ चली जाती है तो भेड़िया दरवाजे पे दस्तक देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि केव के बाहर कोई जानवर है और उसका शिकार करने शरद सर का कैरेक्टर जाता है एंड मोस्टली वो जानवर जो कि भेड़िया होगा वो उन पे अटैक कर देता है। इस केव में बच्ची के अलावा बस एक यंग ट्राइबल आदमी बचता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट डे में आती है जहाँ हम भास्कर से मिल पाते हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसे पेट्स वगैरह से बहुत डर लगता है। भास्कर एक बड़ी MNC का कॉन्ट्रैक्ट लेता है जिसके तहत उसे अरुणाचल प्रदेश के जीरो जगह के जंगल के थ्रू रोड बनवाना था जिससे वो काफी पैसा कमा सके। इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए भास्कर अपना पुश्तैनी घर तक को गिरवी रख दिया था और इसीलिए उसके लिए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना काफी जरूरी था। ऐसे में भास्कर अपने कजन जनार्दन के साथ अरुणाचल पहुंचता है। वहां इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक लोकल बंदा जोमिन था जिनसे दोनों तुरंत वाइब करने लग जाते हैं। अब गांव पहुंचते ही इनकी मुलाकात पांडा नामक इंसान से होती है जो कि सपोजेडली इनकी मदद करने वाला था लोकल्स को इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मनाने में, लेकिन पांडा तो उल्टा ही काम कर रहा था। वो खुद शायद रोड के फेवर में नहीं था। हम देखते हैं कि पैसे और प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट को लेने के लिए मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स तुरंत मान जाते हैं। और यहां सबसे बुरी बात पता है क्या थी कि रोड्स को एक्चुअली में जंगल के बाहर से बनाया जा सकता था लेकिन उसमें पैसा ज्यादा लगता, इसीलिए ये लोग जंगल काट के रोड बीचों बीच बनाना चाहते थे। पांडा कहता है कि भले ऑफिशियल्स मान गए हैं लेकिन जो लोकल्स जंगल में रहते हैं वो कभी नहीं मानेंगे। और यहां हम अगेन फील कर पाते हैं कि पांडा काइंड ऑफ लोकल्स के ही सपोर्ट में है, बस नाम मात्र वो भास्कर की मदद कर रहा था। एनीवेज उस रात घर वापस जाते वक्त इनकी कार एक जगह टक्कर खाती है और वहां भास्कर के पीछे एक भेड़िया पड़ जाता है। भास्कर इस भेड़िये से बचने के लिए पेड़ पे चढ़ता है लेकिन ये भेड़िया भास्कर को पिछवाड़े पे काट लेता है। ऐसे में जना और जो भास्कर को वेटरिनरी डॉक्टर अनिका के पास ले जाते हैं क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर के पास ले जाने से बात गाँव में फैल जाती एंड देन रूमर्स होता एंड कहीं ना कहीं इनका प्रोजेक्ट रुक सकता था। अनिका पेन किलर का इंजेक्शन भास्कर को दे देती है और अगले दिन हम देखते हैं कि भास्कर मस्त फिट हो गया था। उसका घाव भर गया था, उसे कोई दर्द भी नहीं था, उसकी बॉडी बन गई थी। इनफैक्ट अब तो उसके सेंसेस काफी स्ट्रांग हो गए थे, लाइक वो दूर तक सुन और सूंघ पा रहा था, साथ ही वो जानवरों से बात भी कर पा रहा था। उसे बदबूदार मरे जानवर के शरीर से खुशबू आने लगी थी और खुशबूदार चीजों से बदबू। एनीवेज भास्कर जो और जाना लोकल से बात करने जाते हैं लेकिन लोकल एल्डर लोग इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के साफ खिलाफ थे। पांडा भी इनकी कोई खास मदद कर नहीं रहा था और ऐसे में भास्कर जो और जाना लोकल यंगस्टर्स से मिलके उन्हें समझाते हैं कि रोड बनने से यहाँ मॉल्स आएंगे, स्टारबक्स आएगा, शोरूम्स आएगा एंड ऐसे ही सबकी तरक्की होगी। यंगस्टर्स मान जाते हैं और भास्कर उन्हें अपने माँ बाप को समझाने का जिम्मा देता है। किसी तरह ये लोग लोकल्स के जमीन पे सिग्नेचर ले लेते हैं। फिर उस रात पार्टी होती है। पार्टी के दौरान भास्कर को पेट में दर्द होता है जिसे वो पार्टी से निकल लेता है और फिर हम उस ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास लोकल्स के जमीन के साइन किए हुए पेपर्स थे। ऑफिसर पे एक भेड़िया अटैक कर देता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है और सारे पेपर्स पानी में बह जाते हैं। अगले दिन पुलिस को उसका लाश मिलता है और उन्हें जंगल में भास्कर का फटा हुआ जैकेट भी मिला था, लेकिन भास्कर झूठ कह देता है कि वो जैकेट तो उसने ऑफिसर को दिया था। यहाँ पांडा का कहना था कि उसने एक इच्छाधारी भेड़िया को देखा है जो कि इंसान से भेड़िया बना और फिर वो ऑफिसर को मारा, लेकिन कोई उसकी बात को मानते ही नहीं। यहाँ हमें विषाणु के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है जो कि यहाँ के लोकल्स का मानना था। बेसिकली अगर किसी को विषाणु काट ले, यानी जिसको विषाणु है वैसा कोई भेड़िया काट ले जो कि इच्छाधारी भी होता है, तो जिसे वो काटा वो भी भेड़िया बन जाएगा। अब पुलिस वाले इस बात को मानते तो नहीं है लेकिन जिस ऑफिसर को भेड़िया काटा था उसका घाव भी भरने लगा था और ऐसे में पुलिस वाले विक्टिम्स को जलाने लगते हैं ताकि ये विषाणु फैले नहीं। इस पॉइंट पे जना और जो को शक होने लगता है कि कहीं भास्कर ही तो इच्छाधारी भेड़िया नहीं है क्योंकि वो एक जगह खून की उल्टी किया था। वो लोग भास्कर को डॉक्टर अनिका के पास भी ले जाते हैं जहां भास्कर बेड वगैरह उठा लेता है। ऐसे में जना और जो चोरी छुपे भास्कर के मल का सैंपल लेके स्टूल टेस्ट के लिए भेजते हैं। टेस्ट में आता है कि उसमें ह्यूमन बोन्स के फ्रैगमेंट्स थे, विच मींस
भास्कर ही इच्छाधारी भेड़िया है जो इंसानों को खा रहा है। उस रात हम पहली बार भास्कर को लिटरली भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होते देख पाते हैं और जना जोमिन के साथ भेड़िया का पीछा करता है। ये चड्डी पहना हुआ भेड़िया इनके कार पे अटैक भी करता है लेकिन ये लोग कार के अंदर थे तो बच जाते हैं। अगली सुबह भास्कर वापस नॉर्मल होकर घर आता है जहां क्लियर हो जाता है कि वो हर रात भेड़िए में तब्दील हो जा रहा है एंड देन वो उन लोगों को मार डालता है जो कि इस रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के फेवर में है। बेसिकली दिन में भास्कर लोगों को सेट करता है ताकि उसका प्रोजेक्ट ठीक से चल सके लेकिन रात में भेड़िया उसके ऊपर हावी होकर सेट किए हुए इंसान को ही मार देता है। जना यहाँ भास्कर को सांत्वना देता है और वो कहता है कि वो उसकी चड्डी जला देगा ताकि सबूत मिट जाए लेकिन वो चड्डी को पूरा जला नहीं पाता और पांडा को ये चड्डी मिल जाती है। इससे पांडा भी समझ जाता है कि भास्कर ही भेड़िया है और वो पूरे गांव को बताना चाहता था लेकिन भास्कर उसे डरा धमका के समझाता है जिसके बाद पांडा भी भास्कर की मदद के लिए तैयार हो जाता है। पांडा कहता है कि वो इस गांव के 120 साल पुराने ओझा को खोजेगा जिसके पास पक्का भास्कर के इस बीमारी का इलाज होगा। इस पॉइंट पे बस जोमिन, जना, अनिका और पांडा को भास्कर के भेड़िए होने के बारे में मालूम था। मीनवाइल जो प्लान्स की वो भास्कर को एक अबैंडन जगह पे रात में बांध देगा ताकि भास्कर आगे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। बस फिर क्या था, भास्कर, जो और जना उस जगह पे जाते हैं लेकिन एक पुलिस वाला इन तीनों को स्पॉट कर देता है। पुलिस वाला तीनों को उस जगह पे लॉक कर देता है विच वॉज डेंजरस क्योंकि कुछ ही मिनटों में भास्कर भेड़िया बन जाता जिसके बाद वो जो और जना को भी खा सकता था। ये पुलिस वाला बाहर से मोबाइल में सब रिकॉर्ड करने लगता है ताकि वो पूरे दुनिया को प्रूव कर सके कि भास्कर को ही विषाणु लगा है यानी वो इच्छाधारी भेड़िया है। थोड़ी देर में भास्कर भेड़िया तब्दील हो जाता है और वो जो और जना पे घुर्राता तो है लेकिन उन्हें चोट नहीं पहुंचाता। तभी बाहर से अचानक पुलिस वाला गायब हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहां कोई काला भेड़िया आता है जिसने शुरुआत में भास्कर को काटा था। काला भेड़िया डोर ओपन करता है और भेड़िया रूपी भास्कर इस भेड़िया के साथ निकल लेता है। यहाँ हम पुलिसमैन का शरीर कटा फटा देख पाते हैं यानी कि उसको भेड़ियों ने मार डाला। जना स्मार्टली उसके फोन से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो डिलीट मार देता है। तो अगली सुबह भास्कर जो और जना के बीच थोड़ी अनबन होती है क्योंकि जना जो को हमेशा चिढ़ाता था जैसे चाउमीन बोलना, चाइनीज बोलना इत्यादि। जो कहता है कि तुम लोग नॉर्थ ईस्ट से आए लोगों को ऐसे ही करते हो, हमें इंडिया का मानते भी नहीं हो और सबको रियलाइज होता है कि ये गलत है और इसीलिए ये दोनों जो से इसके लिए माफी मांगते हैं। और यहाँ हमें भी इन जनरल अच्छा मैसेज दिया गया है कि हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए लोगों के साथ। दूसरी तरफ पांडा को फाइनली ओझा मिल गया था और वो भास्कर को ओझा के पास लेके जाता है। ओझा बताता है कि भास्कर को ठीक करने का बस एक ही तरीका है और वो ये कि उसे सेम काले भेड़िए से चांदनी रात पे एग्जैक्ट उसी जगह कटवाना होगा जिसके बाद विषाणु खत्म होगा। हम यहाँ थोड़ा और विषाणु के कॉन्सेप्ट को समझते हैं विच इज समथिंग लाइक कि हर इंसान के दिमाग का एक हिस्सा ऐसा होता है जो कि जानवर के प्रवृत्ति का होता है और विषाणु उसी एरिया को अनलॉक कर देता है, बेसिकली कहे तो एक्टिवेट कर देता है। इसी वजह से इंसान भेड़िया बनने लग जाता है। खैर, अनिका, जना, जोमिन और पांडा मिलकर भास्कर के लिए एक ऐसा प्रोटेक्टिव बॉडी गियर तैयार करने लगते हैं जिसमें बस पिछवाड़े में काटने वाला जगह को छोड़ के सब कवर्ड हो ताकि जब भास्कर भेड़िए से कटवाने जाए तो भेड़िया उसको बाकी जगह न काट पाए। यहाँ भास्कर और अनिका बॉन्ड भी करते हैं और अनिका भास्कर को जंगल में उसका एक सीक्रेट स्पॉट दिखाती है जो कि जंगल में काफी डीप था लेकिन काफी खूबसूरत था। अनिका भास्कर से सटली कहती भी है कि उसे यहीं रुकना चाहिए लेकिन भास्कर जल्दी से ठीक होकर वापस शहर भागना चाहता था। खैर, उस रात जोमिन, जना और भास्कर सेम स्पॉट पे जाते हैं जहां भास्कर को भेड़िया काटा था और भास्कर प्रोटेक्टिव गियर पहनकर पेड़ पे लटक जाता है। जना और जोमिन दूर से मॉनिटर कर रहे थे जहां कुछ ही देर में हम काले वाले भेड़िए को आता देखते हैं लेकिन तभी कुछ शिकारी लोग उस काले भेड़िए को शूट करते हैं जिन्हें गांव वालों ने और पुलिस ने अपॉइंट किया था ताकि शिकारी लोग आदमखोर भेड़िए को मार गिराए। ये काला जख्मी भेड़िया वहां से जंगल की ओर भागता है और ऐसे में भास्कर भी पेड़ से उतर कर इस भेड़िया का पीछा करता है। भास्कर एक केव में पहुंचता है जहां हम जख्मी डॉक्टर अनिका को देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, विषाणु वाली काली भेड़िया डॉक्टर अनिका थी और वो शुरुआत में भास्कर पे उसे मारने के लिए हमला की थी ताकि ये रोड वाला प्रोजेक्ट रुक जाए लेकिन बाद में अनिका को भास्कर पसंद आने लग गया इसलिए वो उसे जिंदा रहने दी। अनिका बताती है कि 100 से भी ज्यादा सालों से वो उस जंगल की रक्षा करते आई है और वो जंगल को किसी हाल में कटने नहीं देगी। हम जान पाते हैं कि फिल्म के पहले सीन में जो शरद केलकर के कैरेक्टर की बेटी थी वही अनिका थी, यानी उस टाइम कोई दूसरा विषाणु वाला भेड़िया अनिका को काटा होगा जिसके बाद अनिका इस जंगल की रक्षक बन गई। अनिका कहती है कि इस जंगल को बचाना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन भास्कर इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। वो चाहती थी कि भास्कर यहाँ रह के यहाँ के जंगलों को प्रोटेक्ट करे ताकि वो कहीं और के जंगल को बचा पाए लेकिन भास्कर को तो शहर भागना है। इन बातों के बाद अनिका भेड़िया में तब्दील होकर यहाँ से चली जाती है लेकिन शिकारी लोग अनिका वाली काली भेड़िया को शूट करके पकड़ लेते हैं। मीनवाइल जना और जो भास्कर को खोज लेते हैं और पांडा भी वहां आता है। भास्कर उन्हें अनिका के बारे में बताता है एंड
ऑल डिसाइड कि भास्कर को अनिका को बचाना ही होगा। इसलिए भास्कर खुद को भेड़िया में तब्दील करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ये हो नहीं पा रहा था। फिर पांडा कहता है कि उसे अपने दिमाग के उन हिस्सों को अनलॉक करना होगा जिसमें हमारे अंदर जानवर की प्रवृत्ति होती है। फिर हम देख पाते हैं कि भास्कर भी अपने पावर्स को कंट्रोल कर पाता है और भेड़िए में बदल जाता है, इवन विदाउट अ मून। दूसरी तरफ शिकारी लोग पुलिस के साथ मिलकर अनिका को एक पिंजरे में रखे थे और पूरे गांव के सामने उसे जिंदा जलाने वाले थे, लेकिन तभी भास्कर वाला भेड़िया आता है और सब पे अटैक करता है। लड़ाई के दौरान भेड़िया के पैर लॉग्स में अटक जाते हैं, लेकिन तभी अनिका वाली भेड़िया पीछे से आती है जिसे पिंजरे से आजाद ओझा ने कर दिया था। ये दोनों मिलकर पुलिस और शिकारी से लड़ते हैं, लेकिन फिर ओझा इनके सामने झुक के इन्हें रेस्पेक्ट देता है जिससे दोनों शांत हो जाते हैं। दोनों भेड़िया यहाँ से जंगल में अनिका के उस फेवरेट स्पॉट पे जाते हैं जहाँ अनिका वाली भेड़िया अपने इंजरीज की वजह से पहाड़ से नीचे गिर जाती है, डिपिक्टिंग कि वो मारी गई। लेकिन उससे पहले हम भास्कर वाले भेड़िया के आंख को लाल होते देखते हैं, यानी कि वो है अब यहाँ के जंगलों का रक्षक, यानी विषाणु। इसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ भास्कर अब जंगल के बाहर से रोड बनवाएगा, ना कि जंगल काट के। यहीं पे भेड़िया फिल्म खत्म हो जाती है। अब मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जना एक कमरे में भास्कर को बांध रहा था क्योंकि वो भेड़िए में तब्दील होने वाला था, लेकिन तभी कोई घर का दरवाजा नॉक करता है। दरवाजा खोलने पे हम वहां स्त्री फिल्म से विक्की और बिट्टू को देख पाते हैं, विच मींस ये जना वही है जिसे हमने स्त्री में देखा था। दरअसल अगर आपको याद हो तो स्त्री फिल्म में जना काइंड ऑफ पजेस्ड हो गया था, जहां वो लोगों को एकदम मारने पीटने लग जाता था। तो इसी दौरे की वजह से जना की मम्मी उसको गांव से दूर भेज दी थी और विक्की बिट्टू का नंबर भी उससे ब्लॉक करवा दी थी ताकि ये लोग इससे कॉन्टेक्ट में नहीं रहे। पर विक्की और बिट्टू कैसे भी जना को खोज लिए हैं, क्योंकि जना ही स्त्री को ढूंढ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कुछ तो कनेक्शन है आफ्टर पजेशन। तभी विक्की और बिट्टू को कुछ आवाज सुनाई देती है जहां घर में इन्हें भेड़िया दिखता है विद जम्स ऑन देम। यहीं पे मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाती है। अब पोस्ट क्रेडिट में ठुमकेश्वरी गाना है जहां श्रद्धा कपूर को हम देख पाते हैं, जो कि अगर आपको याद हो तो वो स्त्री का चोटी लेकर उसके पावर्स को हथिया ली थी, यानी हम कह सकते हैं कि नई स्त्री वही है। यहीं पे फाइनली फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी भेड़िया फिल्म की कहानी, और यहाँ हमारे मन में दो तीन सवाल है। पहला ये कि क्या सचमुच अनिका मारी गई? वेल आई पर्सनली बिलीव कि अनिका नहीं मरी है, बल्कि वो भास्कर से जानबूझकर दूर गई है ताकि वो दूसरे जंगल को प्रोटेक्ट कर सके। वो खुद फिल्म के क्लाइमैक्स से पहले ऐसा बोली थी, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो विषाणु के घाव यूं ही भर जाते थे, तो मोस्टली अनिका का भी घाव भर जाएगा। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन आई बिलीव कि वो जिंदा ही है। नाउ मिड क्रेडिट सीन में फिल्म को स्त्री से अच्छा लिंक किया गया है, ऑल्दो यहां मैं रूही का इस यूनिवर्स में होना समझ नहीं पा रहा। मेरे हिसाब से इन्हें रूही को इस यूनिवर्स से निकाल देना चाहिए ताकि स्टोरी कंसिस्टेंट रहे, वरना डबल रोल से ये सब दिखाना पड़ेगा, विच विल बी अ मिस। नाउ मिड क्रेडिट में हम जान पाए कि विक्की स्त्री को ढूंढ रहा है, जो कि अब श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर होने वाली है। स्त्री बहुत पावरफुल है, तो आई डोंट नो भेड़िया का उससे भिड़ंत कैसे होगा। भेड़िया खुद काफी ताकतवर है, जहां उसके पास सुपर हियरिंग, सुपर स्मेल, सुपर स्पीड और सुपर हीलिंग है। वो मुझे पर्सनली ह्यूमन फॉर्म में ज्यादा ताकतवर लगा, जहां वो तेज भाग रहा था, उछल रहा था इत्यादि, क्योंकि भेड़िया फॉर्म में वो नॉर्मल भेड़िया से थोड़ा ही ज्यादा ताकतवर है। आई मीन उसके पैर जब लॉग में फंस गए थे तो वो वहां से निकल तक नहीं पा रहा था, लेकिन ह्यूमन फॉर्म में वो पूरा बेड ही उठा दिया था एंड उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये लोग भेड़िया के कैरेक्टर को लेकर कहां जाते हैं। वन लास्ट थ्योरी इज रिगार्डिंग द ओझा, कि आखिर वो कौन था। फिल्म में हमें बताया गया कि ओझा 120 साल से एग्जिस्ट कर रहा है, जहां मोस्ट ऑफ द टाइम वो जंगल में ही रहता है। हम देख पाए थे कि ओझा इजिली भेड़िया को शांत भी कर पाया, यानी उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है इस भेड़िया के साथ। तो या तो वो वही ट्राइब वाला हो सकता है जिसे हमने फिल्म के फर्स्ट सीन में बच्ची अनिका के साथ केव में देखा था, या फिर वो भी किसी टाइम पे विषाणु रहा होगा। जो भी हो, आगे के सीक्वल्स वगैरह में मन लगने वाला है। अब इसके अलावा तो और कुछ खास थियरीज नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।